माय चैनल, माय नेम इज़ रितु। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि बैक टू बैक मेरी वीडियोस आएंगी, और जैसा कि आपने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया था मीजो के फुटवेयर के लिए, तो आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है वो मीजो के फुटवेयर पे होने वाला है। तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जो आज का मेरा वीडियो होने वाला है उसमें मैं स्नीकर्स भी लाई हूँ, हील्स भी लाई हूँ, फ्लैट्स भी लाई हूँ, ताकि कोई भी डिसअपॉइंटेड ना हो। तो ये मेरा पहला वीडियो है फुटवेयर का। अभी तक ओवरऑल मैंने फुटवेयर का एक भी वीडियो नहीं बनाया, तो ये मेरा पहला पार्ट है। इन पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देना पड़ेगा, ढेर सारे लाइक्स देने पड़ेंगे, ढेर सारा शेयर मारना पड़ेगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लें। तो फर्स्ट आई हैव दिस वाइट शूज़, मैंने इसे 5'11" में लिया है एंड मेरा साइज 4 है। तो मेरा साइज 4 है, वहाँ पे सारे साइज अवेलेबल हैं। वहाँ पर इसके 3 से 4 कलर अवेलेबल हैं। कलर्स मीन्स यहाँ पर व्हाइट कलर ही मिलेगा आपको, लेकिन वहाँ पर कुछ इस तरह की ब्लू लाइन्स या येलो लाइन्स, इस तरह के कलर्स मिल जाएंगे आपको वहाँ पर। मुझे व्हाइट कलर में चाहिए था, तो दैट्स वाई आई परचेज व्हाइट कलर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं ऑलरेडी से वेयर करके देख चुकी हूँ, एंड जीन्स और ड्रेसेस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बिकॉज व्हाइट कलर सब पे चला जाता है जस्ट लाइक ब्लैक कलर। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। एंड ओवरऑल इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा वाला हार्ड वाला सोल अप्लाई कर रखा है, बिल्कुल चीप वाला नहीं है। इसके लुक की बात करूँ तो इसका लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसका सोल से ही इसका लुक आता है। यहाँ पर कुछ इस तरह की इन्होंने डिज़ाइंस डाली हुई है, तो ओवरऑल सिंपल सा है, कुछ ऐसा स्पेसिफिक है नहीं बताने के लिए। तो ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल चीप नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है, एंड मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। सो अभी बढ़ते अपने नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ। प्राइज इज 468 और मैंने इसे 4 साइज में परचेज किया है। सो मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी, काफ़ी प्रिटी थी, लाइक मेरे को जैसी इमेज में दिख रही थी उससे ज़्यादा अच्छी मेरे को ये रिसीव हुए हैं। सो आई रियली लाइक दिट। अगर मैं इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। इस प्राइस में इस तरह की हील्स मिलना, वाओ। तो मुझे ओवरऑल ये काफ़ी अच्छी लगी। लाइक अगर मैं इसके सोल की बात करूँ तो उसका सोल भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी हार्ड वाला अप्लाई कर रखा है, बट काफ़ी कंफर्टेबल है, मैं इसको ऑलरेडी वेयर करके देख चुकी हूँ। नॉर्मल यहाँ पर आपको कुछ 2 स्टेप्स मिल जाएंगी यहाँ पर इस तरह की, एंड यहाँ पर आपको एक बेल्ट मिल जाएगा। जिन हील्स में भी कुछ इस तरह की बेल्ट मिलती है उनको वेयर करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, बिकॉज हम जिन लोगों को भी हील्स वेयर करने की आदत नहीं होती उनके पैर में से बार बार स्लिप हो जाता है, तो ये उस चीज़ को ग्रैब करता है, दैट्स वाई इजीली आप इसे वेयर कर सकते हो। मेरे पास जो 2-3 हील्स हैं वो कुछ इसी तरह की हील्स हैं, दैट्स वाई आई रियली लाइक दिस। फैब्रिक यहाँ उन्होंने अप्लाई कर रखा है वो वेलवेट का फैब्रिक है, एंड सेम यहाँ जो स्टेप्स हुई है सेम वेलवेट का फैब्रिक अप्लाई कर रखा है। क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी कंफर्टेबल है, यहाँ पर भी इन्होंने नीचे एक सोल अप्लाई कर रखा है। सो यार आई रियली रियली लाइक दिस हील्स। एंड वहाँ पर इसका एक कलर और अवेलेबल है, क्रीम कलर, वो भी बहुत प्यारा था, बट मुझे ब्लैक कलर ज़्यादा अच्छा लगा। नेक्स्ट आई हैव दीज फ्लैट सैंडल्स, मैंने इसे 239 में परचेज किया है 4 साइज में। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सिंपल सा है, आप नॉर्मली इसको कुर्तीज़ वगैरह जीन्स के साथ या किसी पे भी वेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर उन्होंने सिल्वर में अप्लाई कर रखा है, सेम यहाँ पर भी, एंड यहाँ पर जो दोनों साइड में है वो ब्लैक कलर में अप्लाई कर रखा है, तो इसका लुक काफ़ी डिफरेंट आता है। बाकी अगर मैं प्राइस वाइज बात करूँ तो प्राइस वाइज आई थिंक इट्स वर्थ इट। 239 में मुझे काफ़ी अच्छा फ्लैट मिला है, आई रियली लाइक इट, एंड मुझे बहुत क्यूट भी लग रही थी। लाइक मैंने इसे नॉर्मल ड्रेस पे वेयर किया था, काफ़ी अच्छी लग रही थी, बट आई थिंक कुर्तीज़ पे ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, एंड ब्लैक कलर में आप किसी पर
भी वेयर कर सकते हो. सो या आई रियली लाइक दिस एंड बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल भी नहीं काट रहा था. सो आप जाके परचेज कर सकते हो. साइज तो वहां पर आपको सारे मिल जाएंगे लेकिन कलर्स का मुझे नहीं पता, आप जाके चेक कर सकते हो. और मैंने इसे 4 साइज में परचेज किया है. वहाँ पे इसके सारे साइजेस अवेलेबल हैं. धीरे धीरे सारे साइजेस आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे बट ये मेरे को मिल गया. मैं इसके कलर्स तो नहीं बोलूंगी लेकिन वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटलॉग थे. लाइक ब्लैक कलर में आपको डिफरेंट डिफरेंट डिजाइंस मिल जाएंगी बट मेरे को ये ज़्यादा अट्रैक्ट किया, दैट्स व्हाई आई परचेज दिस. बिकॉज इसमें यहाँ पर मल्टी कलर में शो हो रही थी एंड अदर्स में लाइक एक ही कलर शो हो रहा था, दैट्स व्हाई मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सो ओवरऑल इसके लुक की बात करूँ तो लुक मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. सोल इसका बहुत ही अच्छा है, काफ़ी डिफरेंट सा आया, मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया. कुछ यहाँ जो ऊपर दिया हुआ है वो कुछ इस तरह का, यहाँ पर उन्होंने डिज़ाइंस दिए हुए हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह के बीच बीच में डाल रखे जो भी मल्टी कलर में लाइट्स देंगे. एंड यहाँ फ्रंट में भी डाला हुआ है इन्होंने. जितना मुझे देखने पर नहीं अच्छा लग रहा था उतना मुझे वेयर करने के बाद अच्छा लग रहा था. ये तो मैं ऑलरेडी से वेयर कर चुकी हूँ, बिल्कुल भी नहीं काटेगा, काफी कंफर्टेबल है एंड इसका सोल भी काफी कंफर्टेबल है. दिखा देती हूँ किस तरह का इसका लुक है. अगर आपको पसंद आ रहा है, आपको वेयर करना है तो जल्दी से परचेस कर लेना क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो रहे थे सारे के सारे साइज में. तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी डिफरेंट भी है और काफ़ी अच्छा लग रहा था वेयर करने के बाद. एंड इस तरह के शूज़ जनरली शीन पर मिला करते थे एंड मीज़ो पर इस तरह के शूज़ मिलना वो भी इतने रीजनेबल प्राइस पर. मैंने 291 में लिया था, 37 साइज में. मैं ऑलरेडी इन्हें वेयर कर चुकी हूँ, काफी ज्यादा कंफर्टेबल हैं. सोल की बात करूँ तो ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर वुडन का काम हो रखा है बट नहीं, ये पूरा प्लास्टिक है, दैट्स वाई ये काफी कंफर्टेबल है. मैं इसको ऑलरेडी वेयर कर चुकी हूँ, एज आई टोल्ड यू बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है. आउटिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, आप ऐसे किसी पर भी वेयर कर सकते हो, जीन्स के साथ, ड्रेसेस के साथ, हर किसी के साथ जाएगा एंड काफ़ी कंफर्टेबल है. इस तरह का कपड़े में आपको वो मिल जाएगा एंड ज़िगज़ैग में यहाँ पर उन्होंने प्लास्टिक से ही अप्लाई कर रखा है सेम पैटर्न में. सो आई रियली लाइक इट. इसमें वहाँ आपको एक ब्लैक कलर और मिल जाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा था बट पिंक कलर मेरे को थोड़ा सा क्यूट लगा, दैट्स व्हाई आई परचेज्ड दिस. सो या आई रियली लाइक दिस एंड प्राइस वाइज दिस इज़ वर्थ इट. ये काफी कंफर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल है इसलिए मैं इसे नॉर्मल आउटिंग के लिए वेयर कर लेती हूँ. व्हाइट कलर सैंडल, प्राइस इज 382 और मैंने इन्हें 4 साइज में परचेज किया है, मीन्स 37 साइज में. ओवरऑल उसकी फिटिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी एंड काफ़ी कंफर्टेबल है. कुछ मैसी सा लग रहा होगा लेकिन आफ्टर वेयरिंग ये इग्नोरेबल है, लाइक बिल्कुल भी नहीं दिखता और ऐसा नहीं लगता कि बहुत गंदा लग रहा है. क्योंकि जब ये आया था तो मुझे ये चीज़ इसकी अच्छी नहीं लगी थी बट जो उन्होंने ये डिज़ाइन दिया है उसकी वजह से ये थोड़ा सा इस पर कर्व आया हुआ है. सो विच इज़
टोटली इग्नोरेबल। पर यहाँ पर दिया हुआ है वो चीज़ मुझे जब स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे अच्छी नहीं लगी थी, मुझे लगा था पूरा वाइट होना चाहिए था, बट अगर ये पूरा सेम रखते तो हमें शायद वेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होती, थोड़ा चुपता जो भी है वो काफ़ी कंफर्टेबल है, जिससे वेयर करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक आप 4 से 5 घंटे से नॉर्मली वेयर कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं काट रहा था। लाइक जो भी इसकी यहाँ पर स्टेप्स चली हुई हैं वो भी बिल्कुल कंफर्टेबल है, बिल्कुल हार्ड नहीं है, काफ़ी सॉफ्ट है, तो उससे बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड ओवरऑल जो यहाँ का इन्होंने डिज़ाइन दिया है, यहाँ पर जो नॉट दिए उससे लुक इसका काफ़ी अच्छा आता है। एंड यहाँ पर मुझे पूरा ओवरऑल साइज़ काफ़ी सही से फिट हुआ, बिल्कुल भी टाइट या लूज़ नहीं था, तो मुझे अच्छा लगा। एंड पीछे यहाँ पर उन्होंने इलास्टिक अप्लाई किया हुआ है, कि अगर ये बहुत चीप वाली यूज़ करते हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है और उसके बाद लाइक पहनने में अनकम्फर्टेबल सा फील होता है, तो इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एंड हील्स भी आपको इसमें इतनी मिल जाती है विच इज़ क्वाइट कम्फर्टेबल, बहुत ज़्यादा हील नहीं है इसमें, आप नॉर्मल जीन्स वगैरह या अदर किसी पर भी वेयर कर सकते हो, तो यह मुझे काफ़ी अच्छी लगी। एक्चुअली व्हाइट कलर में जो हील्स मिलते हैं उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस नहीं होते तो हमें ज़्यादा पसंद भी नहीं आते, बट ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज काफ़ी रीजनेबल प्राइस पर मिला और काफ़ी क्यूट भी लग रहा था। Honestly. Yes. Secretly, but honestly. No more secrets.